गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट शेप्स टूडे वी विल बी डूइंग बैक एक्सरसाइज फॉर इट स्टूडेंट्स वी हैव टू मैच द शेप विद इट्स नेम फर्स्ट स्पेयर हमने ये फर्स्ट शेप को स्पेयर से मैच करना है सेकेंड शेप हमारी है क्यूब ये कौन सी है क्यूब जो डाइस होती है ना ये क्यूब की शेप में होती है एंड थर्ड इस क्या है ये सॉफ्टी कैसी होती है कौन की शेप में तो इसको हमने कौन से मैच करना है थर्ड शेप ये है क्यूबाइट क्या है क्यूबाइट से मैच करना है एंड फिफ्थ शेप हमारी है सिलेंडर ये कैसे शेप है देखो सिलेंडर की शेप में है एंड सेकंड क्वेश्चन नेम द शेप ये जो शेप्स दी हुई है, हैं इनके हमने नेम लिखने हैं अब ये फर्स्ट शेप कौन सी है हमारी क्यूब सेकंड क्यूबाइट एंड थर्ड कौन सी है ये कैप कैसी बनी हुई है कौन के शेप में और ये है जो फेविस्टिक कैसे है सिलेंडर की शेप में है और ये जो बने हुए हैं बीर्स है ये कैसे हैं स्पेयर नाउ वी विल लर्न फ्लैट शेप्स नेम द शेप फर्स्ट अब ये क्वाइन कौन शेप में है सर्कल शेप में है अब ये नोट कौन से शेप में है ये रेक्टेंगल शेप और ये थर्ड कैसे ये है ये ट्राइंगल ट्राइंगल की शेप में है और ये जो है हमारा रिमोट है जो ये कैसी शेप में है मोबाइल या रोमेट कैसी शेप में है रेक्टेंगल की शेप में है ये और ये लास्ट जो है ये हमारा है ये सेकेंड लाइन में है ये क्या है ट्राइंगल की शेप में है ये स्क्वेयर इसकी फोर जो फोर कॉर्नर है ये इक्वल है तो ये कौन सी शेप है स्क्यर की शेप में है और ये जो जी है ये क्या है ये एग कैसा है ओवल एंड लास्ट जो है एच ये सर्कल की शेप में है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर ए है आ हैज डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर बच्चों हमने कैसे स्क्वेयर कैसे बनाया था उसकी फोर साइड्स इक्वल थी तो कितनी थी इसकी साइड्स भी फोर थी और जो कॉर्नर है वो भी फोर कॉर्नर है अब ये देखो ये कैसे है ये स्क्वेयर की शेप है वन टू थ्री फोर ये फोर कॉर्नर हैं और वन टू थ्री फोर ये साइड्स हैं इसकी और साइड्स में इसकी फोर हैं एंड सेकेंड ऑल साइड्स ऑफ स्क्वेयर आर इक्वल अभी मैंने बताया ना कि स्क्वेयर की जो सारी साइड्स है वो कैसी होती हैं इक्वल होती हैं नंबर थर्ड जो है हमारा है द डैश साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल जो रेक्टेंगल है उसकी जो अपोजिट जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब देखो ये रेक्टेंगल की शेप है अब देखो इसकी दोनों साइड्स और ये साइड्स ये इक्वल हैं। तो क्या आएगा इसका द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड डी आ सर्कल हैज नो साइड्स सर्कल की कोई साइड्स नहीं होती है देखो सर्कल राउंड राउंड कोई साइड्स है नहीं है ना तो सर्कल हैज नो साइड्स एंड नंबर जो ई है एंड ओवल हैज नो कॉर्नर अभी देखो इस कॉर्नर है नहीं है ना तो यहाँ भी हमारा नो आएगा ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स ट्राइंगल कितनी साइड्स होती हैं ये देखो ये ट्राइंगल की शेप है अब देखो इसके कॉर्नर भी थ्री कॉर्नर है और इसकी साइड्स वन टू थ्री थ्री साइड्स होती हैं एंड जी क्वेश्चन हमारा है, है. अभी देखो ये बच्चों ये फिगर दी हुई है अपने इसमें ये बताना इसके है इसकी कितनी साइड्स और कितने कॉर्नर है अभी देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसके सिक्स साइड्स हैं और कॉर्नर भी इसके कितने हैं सिक्स कॉर्नर हैं और लास्ट हमारा है ये स्टार बना हुआ है इसमें ये बताना है कि स्टार के कितनी साइड है कितने कॉर्नर है अब ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसके टेन साइड्स हैं और टेन कॉर्नर है कॉर्नर कैसे काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसके टेन कॉर्नर है टेन साइड्स हैं। थैंक यू